जहां हमारे देश में छोटी उम्र में शादी करना या करवाना गैर कानूनी है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी कुछ देश है जहां पर कम उम्र की लड़कियों के जिंदगियों से खिलवाड़ होता है, उन्हें गर्भवती होने के लिए मजबूर किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग ऐसे ही एक देश के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जहां ऐसी अमानवीय गतिविधियां की जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से ये अनुरोध है कि ऐसी अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की सब्सक्राइब बटन को दबा दे और बेल आइकन को भी कृपया क्लिक करे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप खुद ही कल्पना कीजिए, यदि आपके खेलने की उम्र में आपका शादी करवा दिया जाए या आपको जबरदस्ती गर्भवती होने के लिए मजबूर किया जाए, तब आप क्या करेंगे? सुनने में आश्चर्य लग सकता है, लेकिन यही सच है। कुछ खराब लोग हैं जो चंद पैसे के लिए लड़कियों के साथ ऐसा पैसाचिक काम करते हैं। आज हम लोग जानने जा रहे हैं नाइजीरिया में चल रहे बेबी फार्मिंग के बारे में। यहाँ पर बेबी फार्मिंग का काम बिना बाधाएं के चल रहा है। नाइजीरिया में जो लोग इस काम के साथ जुड़े हैं, उन्हें बेबी फार्मर्स भी कहा जाता है। यहाँ पर 13 साल से 18 साल के लड़कियों को जबरन गर्भवती किया जाता है और बच्चा पैदा करवाया जाता है। उसके इन्हीं बच्चों को 3 से 4 लाख रुपए में बेचा जाता है उन लोगों के पास जो लोग निसंतान होते हैं। यहाँ पर लड़कियों की स्वास्थ्य या चिंता की कोई मोल नहीं दिया जाता है। एक चिकन की फार्म की तरह ही बच्चा पैदा करने का काम यहाँ पर होता है। इस तरह की बेबी फार्म के साथ बहुत सारे निजी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम जुड़ा हुआ है और वहाँ ही इन जैसी लड़कियों की बच्चा पैदा करवाया जाता है। ये सभी लड़कियाँ अनाथ या गरीब घरों से आते हैं और हालात से मजबूर होकर ऐसे काम करने के लिए आते हैं, और कुछ लड़कियों को डरा के धमका के इस काम के लिए मजबूर करवाया जाता है। इन लड़कियों में ज्यादातर लड़कियां नाबालिग होते हैं जिनकी उम्र 13 साल से 18 साल के अंदर होता है, और ये लड़कियां चाहकर भी गर्भपात नहीं करवा सकती क्योंकि नाइजीरिया में गर्भपात गैर कानूनी है और यही सुविधा विभिन्न बेबी फार्मर्स लेते हैं। इसके बारे में आपकी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।